लक्सर उत्तराखंड में कानपुर ब्लॉक के कई ग्राम प्रधानों द्वारा गोवर्धन में एक बैठक की गई। बैठक में ग्राम प्रधान संगठन के पुराने ब्लॉक अध्यक्ष को हटाने व नया अध्यक्ष चुनने को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में सीमा चौधरी को हटाने का प्रधानों ने सर्वसम्मति से खंडन किया गया। वहीं दावा किया कि प्रधान संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष सीमा ही रहेंगी। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें चार्ज लेने के बाद खानपुर ब्लॉक के प्रधानों ने बैठक कर प्रहलादपुर ग्राम सभा की महिला प्रधान सीमा चौधरी को अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का अध्यक्ष चुना था। वहीं बीते 4 से 5 दिन पहले खानपुर के कुछ प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय पर हुई बैठक में सीमा चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाकर दूसरी पंचायत के प्रधान को निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष चुनने का प्रधानों में इसे लेकर तभी से खींचतान चल रही थी और आज कई प्रधानों ने रुहालकी में बैठक कर इस पर विचार किया। जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया गया, जिसमें हमने अपने सभी उपाध्यक्ष सचिव महामंत्री को अपना उन्हें प्रमाण पत्र दिया और हम अपना जितने भी हमारे सभी प्रधान हैं उनके साथ दुख सुख सभी प्रकार की विभिन्न जितनी योजनाएं हैं सबको साथ मिलकर चलेंगे और हम आज इस पूरे ही जितने भी ब्लॉक के अधिकारी हैं उन्हें भी जाकर आज प्रमाण पत्र जाकर सौंपेंगे। ये जो एक वो चल रहा है खानपुर ब्लॉक में कि प्रधान संगठन के दो फाड़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, कुछ प्रधानों ने कुछ लोगों ने आपस में थोड़ा सा एक विवाद क्या उठा रखा है कि भाई महिला नहीं होनी चाहिए। अरे महिला को तो 33% आरक्षण अब केंद्र ने भी दे दिया है और हमारे पास तो हमारे खानपुर ब्लॉक में 19 महिला प्रधान है, तो महिला तो सर्वप्रथम है, महिला के बिना कोई काम नहीं चलेगा। दूसरा, हटाने का या बर्खास्त करने का एक तरीका हो कि इतने समय के बाद में हम हटा सकते हैं, एक तो ना समय था, दूसरा जो हमारा जिले का संगठन है उससे परमिशन लेकर तभी बर्खास्त कर सकते हैं। उन्होंने एक घर अंदर बैठ कर मीटिंग करके बर्खास्त कर दिया, एजेंडे में प्रधानों को बुलाया किसी और के और उसको फिर साइन करा लिया कि हम अपना अध्यक्ष बना रहे हैं, तो उसका हम खंडन करते हैं और हम 17 प्रधान एक साथ हैं और सीमा देवी को हम अपना अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।